वहीं डूंगरपुर में लॉकडाउन के कारण लंबे समय से फंसे केरल के 28 लोगों को अब अपने घर भेजने की तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में बसेस में बिठाकर उन्हें अपने घर के लिए रवाना किया गया, तस्वीरों में देख सकते हैं आप। इस अवसर पर सभी प्रवासियों को जिला प्रशासन और कांग्रेस कमेटी की ओर से खाने के पैकेट्स, मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश खोजनिया ने बताया कि पिछले 50 दिनों से प्रवासियों के लिए भोजन की यहां व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।